कहाँ पे हो? बस 5 मिनट में आई। यार जल्दी आओ ना, होली पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं। ये सब किया है प्रियंका ने, ये वाली प्रियंका ने नहीं, हमारी DIY वाली प्रियंका ने। तो आप भी जानना चाहते हो कि हमने ये होली DIY कैसे किया, तो जल्दी से वीडियो को 75,000 लाइक्स कर दो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। होली है भाई, होली है। अगर आप भी ऐसे हैंगिंग स्लोगन्स अपने होली पार्टी में डेकोरेट करना चाहते हो तो आप भी चार्ट पेपर, एक्रेलिक कलर और पेंट ब्रश लेकर तैयार हो जाओ इसे बनाने के लिए। तो इसे बनाने के लिए अपने पसंद के शेप में हमने चार्ट पेपर को कट करके स्केल की हेल्प से लाइन मेजर की है ताकि हमारा स्लोगन अलाइंड मैनर में लिखा हुआ दिखे। बस अब पेंसिल की हेल्प से अपने पसंद का कोई भी स्लोगन लिख लो ताकि अगर कोई गलती भी हो तो आप इरेज करके दोबारा लिख सको। अब जो हमने पेंसिल से लिखा था ना, उसके ऊपर बस पेंट ब्रश से सेम चीज कवर करके लिख दो और फिर टॉप के पार्ट पे रिबन टाई करने के लिए एक होल बना लो। और देखो ये कितने सुंदर लग रहे हैं हमारी होली पार्टी में डेकोरेटेड। आपके घर में अगर कोई शेल्फ है तो आप उसे भी कुछ इस तरह से होली पार्टी में डेकोरेट कर सकते हो। उसके लिए हमें चाहिए कोई भी कलरफुल चार्ट पेपर। रेक्टेंगुलर चार्ट पेपर को छोटे साइज में 2 पार्ट्स में कट कर लो और 4 बार कुछ इस तरह से फोल्ड करते हुए उसे फिर से ओपन कर लो। और बचपन में जब गर्मी लगती होगी तो आपने फैन तो पक्का ही बनाया होगा, है ना? कमेंट्स में बताओ। बस उसी तरह से यहाँ भी चार्ट पेपर को फोल्ड करते जाना है। फिर फोल्ड किए चार्ट पेपर को बीच में से बेंड कर दो। ऐसे ही और भी फैन बना लो और सबको एक साथ ज्वाइन कर लो। इनके साइजेस आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हो और बस किसी भी शेल्फ या किसी कॉर्नर में आप इसे पेस्ट कर दो, ये बहुत सुंदर लगता है। होली पार्टी की तो सबसे बड़ी शान होती है गुलाल, पर गुलाल रखे कहाँ, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। पर आज हम आपको बताएंगे कि गुलाल को इनोवेटिव वे में कैसे आप प्लेस कर सकते हो। इसके लिए आपको चाहिए लकड़ियाँ, बास्केट और कुछ गेंदे की फूल की लड़ियाँ। लकड़ियों को कुछ इस तरह से क्रिस क्रॉस वे में रख कर रस्सी से बांध दो और फिर इन्हें फूलों की लड़ियों से डेकोरेट कर लो। बस अब ऐसी बास्केट तो किसी के भी घर में आराम से मिल जाती है, उसमें गुलाल भरो और रख दो और ये तो गिरेगा भी नहीं और देखने में इतना सुंदर लग रहा है कि मैं क्या बताऊं। आप में से कौन कौन ये DIY ट्राई करने वाला है कमेंट सेक्शन में बताओ। जब पिचकारी से रंग पड़ता है तो कैसा दिखता है वो, बिल्कुल वैसा ही डेकोर हम आपको सिखाने वाले हैं। इसके लिए बस आपको चाहिए कुछ कलरफुल शीट पेपर। बस उसे पिचकारी से रंग पड़े हुए शेप में काटो और चिपका दो दीवारों पे। याद रखना कि ये सारे कलरफुल हों तभी तो होली का असल मजा आएगा ना। था ना ये सबसे इजी एंड कलरफुल, मेरा तो ये पर्सनल फेवरेट है। होली का टाइम है तब तक गर्मियां तो आ ही जाती हैं और गला भी सूख रहा होता है, तो उसका भी DIY है हमारे पास। बस उसके लिए आपको कोई भी ऐसा पेन स्टैंड या फिर छोटा बकेट चाहिए। उसमें आइस क्यूब्स डाल के अपने पसंद की कोई भी कोल्ड ड्रिंक रख दो और रिबन लगा के हैंग कर दो, इससे आपकी कोल्ड ड्रिंक भी गर्म नहीं होगी। और होली पार्टी में रंग खेलते खेलते जब भी प्यास लगे तो आपके पास ठंडी कोल्ड ड्रिंक भी होगी और डेकोर का डेकोर भी होगा। इस काइट पेपर बकेट DIY को देख के लग रहा है कि इस होली आपके चेहरे से ज्यादा रंग आपके घर के डेकोर में ही होने वाला है। इसके लिए आपको पेंट बॉक्स चाहिए या आपको ऐसे डब्बे तो घर पे आसानी से मिल जाएंगे। बस उसे व्हाइट पेंट से पेंट कर लो और अपने पसंद के पेंट कलर से कुछ इस तरह का डिजाइन बनाकर पेंट कर लो।
ऐसे और भी कलरफुल बकेट्स बना लो और बकेट्स को स्लांटेड वे में प्लेस करते हुए पेंट से मैचिंग काइट पेपर पेस्ट कर दो। आप चाहो तो मैचिंग फैब्रिक्स भी लगा सकते हो, पर काइट पेपर ज्यादा बजट फ्रेंडली है। था ना होली के लिए परफेक्ट एंड इजी कलरफुल DIY। इतनी मेहनत से ये सारी चीजें बनाई ही है हमने, तो चलो लगे हाथ ये भी बता देती हूँ कि इन्हें डेकोरेट कैसे करना है। क्यों, बिफोर आफ्टर देख के मजा आया ना, है ना सुंदर? चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ। गाइज, तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? और हाँ, ऐसी होली पार्टीज आप भी अपने घर पे इजीली अरेंज कर सकते हो, क्योंकि हमने जो भी सामान इनमें बनाया सब घर पे ही अवेलेबल थे। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एंड हैप्पी होली। चलो।